फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नीट 2021 के बायोलॉजी पार्ट का सॉल्यूशंस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 130। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। पूछा गया है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स। तो आपको पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के चैप्टर में पढ़ा होगा, वहाँ पे चिल्ड इथेनॉल ऐड करके हम डीएनए को प्रेसिपिटेट कराते हैं। तो ये एक स्टेप है डीएनए आइसोलेशन का, और यहाँ पर हम स्पूलिंग करके डीएनए को आइसोलेट करते हैं। तो ये अगेन एक एनसीईआरटी का डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो टेम्परेचर ऑफ इथेनॉल है वो भी मैटर करता है। यहाँ पे आपको चिल्ड टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे हीटेड टेम्परेचर पे इसमें पोर करेंगे तो यहाँ पे डीएनए का जो है डीनेचुरेशन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका इथेनॉल का टेम्परेचर भी मैटर करता है, इसलिए यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल ही प्रिफरेबली यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें दिया गया फर्स्ट ऑप्शन में कोहेजन। तो कोहेजन आपको पता है कि जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसे कोहेजन कहा जाता है। तो पे म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, इसे कोहेसिव फोर्स यानी कोहेजन कहा जाएगा, यानी ए के आगे 2। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 और 4 एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट होता है एडिशन। तो एडिशन ऐसे टाइप का फोर्स है, यानी एडहेसिव फोर्स ऐसे टाइप की फोर्स है जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन टूवर्ड्स पोलार सरफेस, तो यानी वाटर का अट्रैक्शन एक पोलार सरफेस की तरफ अगर हुआ तो वो एडहेशन की वजह से होगा, यानी एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होगा। लेकिन अगर वाटर का खुद के साथ में म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ तो वो कोहेजन यानी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होगा। तो यानी बी के आगे 4, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 2 में ही आपको दिख रहा है। सरफेस टेंशन, अगेन ये आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी है कि मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, यानी जो लिक्विड है वो लिक्विड फेज में रहना चाहता है, यानी जो H2O है वो लिक्विड फेज में रहना चाहता है एज कम्पेयर टू दी वेपर फेज, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से ये एक फिल्म की तरह एक्ट करता है, ये जो इसकी आउटर मोस्ट सरफेस होती है। गटेशन होता है वाटर लॉस इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो ये मोस्टली जो रूट प्रेशर डेवलप होता है उसके वजह से गटेशन का फिनोमिनन ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म इज। तो फोटो पीरियडिज्म का ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो पहले भी आ चुका है। यहाँ पे जो साइट ऑफ परसेप्शन होता है वो होता है लीफ, यहाँ पे PFR और PR, ये दो सिस्टम्स का इंटरकन्वर्जन के वजह से डिटेक्ट किया जाता है फोटो पीरियडिज्म का टाइम, यानी अमाउंट ऑफ लाइट कितना इंसिडेंट हुआ है ये इनके इंटरकन्वर्जन की वजह से पता लगाया जाता है, और उसका जो साइट है वो है लीफ में। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये भी अगेन एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज। तो आपको पता है ऑक्सिन्स में आपको एक एग्जांपल दिया गया है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का, यानी 2,4-D का। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये एक वीडिसाइड की तरह भी काम करता है जो कि डाइकोटिलेडोनस यंग वीड्स को किल करने में मदद करता है। तो ये भी आप याद रखिए। बाकी जो है इसमें से आपको जो दिए गए ऑप्शंस वो ऑक्सिन तो हैं लेकिन वो वीडिसाइड की तरह यूज़ नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जी प्रोड्यूसेस कैरेजिन। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, एक है एल्जिन और एक है कैरेजिन। तो एल्जिन और कैरेजिन में अगर आप याद करेंगे तो एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गे से है और कैरेजिन जो है वो रेड एल्गे से है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन 4 यानी रेड एल्गी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है कैरेजिन प्रोड्यूस करने वाला। ब्लू ग्रीन एल्गी तो आपको पता है साइनोबैक्टीरिया होता है, जो कि एक प्लांट ना होकर एक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको पता है डीएनए से जब डीएनए वापस फॉर्म होता है तो उसे प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट, जब आप डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा।
तो इसके बाद जब mRNA से हम प्रोटीन बनाते हैं तो उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे डी होगा प्रोटीन और सी जो प्रोसेस है वो हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। तो अगर आपने NCERT में देखा होगा तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का आपको टेबल दिया गया है और उनके फंक्शंस दिए गए हैं। तो रबर और गम तो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मॉर्फिन, कोडीन या एल्कलॉइड्स हैं ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, यानी जो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं लेकिन उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है प्लांट के लिए एज सच। देन अमाइनो एसिड और ग्लूकोज, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है अमाइनो एसिड या फिर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का प्राइमरी फंक्शन होता है, तो इसलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में काउंट नहीं किए जाएंगे, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनब्लास्टिन और करक्यूमिन भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि आपको NCERT में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंस्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर विच मैकेनिज्म फॉर कम्पीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। तो अगर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है यानी दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उनको अगर सर्वाइव करना है एक ही जगह पे एक ही एनवायरनमेंट में तो उसके लिए वेरियस प्रोसेसेस इवॉल्व हुए हैं, उसमें से जो रिसोर्स पार्टिशनिंग है वो एक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन भी होता है लेकिन उसमें से एक स्पीशीज़ जो है उसके फिटनेस रिड्यूस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि उनका दोनों को भी को एग्जिस्टेंस होना चाहिए यानी उनका दोनों का भी सर्वाइवल होना चाहिए, तो इसमें आपको पता है रिसोर्स पार्टिशनिंग हुई है जो NCERT में आपको दिया गया है कि जो पांच चिड़िया थी एक ही ट्री पे आके फीड करती थी लेकिन वो डिफरेंट हाइट्स पे आके फीड करती थी, यानी अगर एक चिड़िया अगर टॉप वाले ब्रांचेस पे फीड करेगी तो दूसरी जो है वो थोड़े से उससे नीचे और थर्ड जो है वो एकदम नीचे यानी ग्राउंड लेवल के पास में, तो इससे क्या होगा उनके बीच में फाइट नहीं होगा यानी उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन है वो कम हो जाएगा, तो इसे रिसोर्स पार्टिशनिंग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR। तो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था आपको PCR के स्टेप्स पूछे गए थे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन में दिया डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास एक फ्रैगमेंट ऑफ DNA है या एक फ्रैगमेंट ऑफ RNA है उसका मल्टीपल कॉपीज बना के उसका एनालिसिस कर सकते हैं और आपको उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे म्यूटेशन हो सकता है, तो ये तो हम कर सकते हैं PCR के द्वारा। मॉलिकुलर डायग्नोसिस, तो ये भी मैंने आपको बताया था मॉलिकुलर डायग्नोसिस भी किया जा सकता है, जैसे वेरियस मार्कर्स होते हैं जीन के अंदर जैसे कैंसर के या फिर और भी कोई बहुत सारे डिसीज़ होते हैं जिनको हम PCR के मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी वायरस या बैक्टीरिया का तो उसका भी जीनोम हम एम्पलीफाई करके पता लगा सकते हैं इन दी अर्ली स्टेज इट्सेल्फ कि आपको वो इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, इसलिए आपने कोविड का भी सुना होगा RT-PCR होता है, तो ये PCR का एक एप्लीकेशन है। जीन एम्पलीफिकेशन, ये तो इसका मेन ही पर्पस है। प्योरीफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ये इसका पर्पस नहीं है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क्योंकि हमें नॉट एन एप्लीकेशन पूछा गया था। अगर आपको आइसोलेटेड प्रोटीन का प्योरीफिकेशन करना है तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से आप ब्लॉटिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर और भी बहुत सारे न्यू टेक्निक्स हैं इसके लिए, लेकिन PCR इज़ नॉट वन ऑफ देम। लास्ट क्वेश्चन अगेन एक मैच द फॉलोइंग टाइप का ही क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। तो एक्टिव सेल डिवीजन यानी जो रैपिडली डिवाइड होने वाले सेल हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं, यानी एक आगे हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन 2 में ही ये कॉम्बिनेशन मैच करेगा। नेक्स्ट है टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर सारे सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है तो उसे सिंपल टिश्यू कहा जाता है, ये सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो वैस्कुलर टिश्यू हो जाएगा। देन डेड सेल्स विथ हाईली थिक वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन। तो डेड सेल्स आपको पता है स्क्लेरिड या स्क्लेरेनकाइमा में पाए जाते हैं जिसका लूमेन बहुत ही पतला होता है क्योंकि उसके अंदर का जो भी न्यूक्लियस वगैरह है वो सब रिमूव कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म वगैरह और खाली बहुत थोड़ा सा लूमेन होता है। तो डिफरेंट फ्रूट्स में पाए जाते हैं, तो उसे आप एग्जाम्पल जो है NCERT से एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन
कीप स्टडीइंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।